गायतुंडे का प्रिंट है इसका कीमत है 10 लाख रुपए। लोग आते हैं मेरे बारे यार, तेरे बात तू तो आर्टिस्ट है, तेरे को क्यों चाहिए, तेरे को तो मिल जाएगा, हमको दे दे। तो बोला आपको चाहिए तो 20 लाख देना पड़ेगा। हुसैन सर से आपने क्या सीखा? हुसैन से निर्भीड था, जो जो दिल में वो आता था वो करता था, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। हम तो क्या, अरे कलर लगाने कितना अच्छा है, कलर कैनवस को किधर भी वो डाल दिया, चैक चैक उनको एक काम करते केमोल में उन्होंने काम किया, इधर से लेके वो दीवार था और ऐसा 5 फीट, तो इधर से शुरू किया टैंक 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 इधर आके खाता हूँ मैं, हम देखते रहेंगे। आदमी है हैवान, मैं आकाश को छू जाऊं ये तकदीर मेरी नहीं, आकाश नीचे आ जाए ये तकदीर आकाश की भी नहीं, मिल जाना ये वहम रहना ये हमारी तकदीर। शाळा सुटली पॅन्ट फाटली, शाळा सुटली पॅन्ट फाटली, सवंगड्याने बोटे घालून ती इतकी फाडली की टाके घालण्यासाठी सुद्धा नाही उरली। पाहे पा शाखा पल्लव रुखाचे, एका नवती एकाचे बीजाचे, परी पाणी घेणे मुळांचे ते मुळींचे गापे। आता साधं आहे पण सगळ्यांना कळणार नाही। पिकासो का एक एक डॉक्यूमेंट्री में एक कलेक्टर थी, तो पिकासो ने ना एक फिगर बनाया था, लेडी फिगर था शायद से वो, और उसके पैर को मंकी के पैर दिखाने की कोशिश की थी, तो उसको वो पसंद नहीं आया और पिकासो तब जस्ट फेमस होने लगा था, तो उसने लिटरली उसको कहा कि ये पैर मैं काटूं तो चलेगा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी थी और उसने थोड़ा सा ऑब्वियसली पिकासो तो कुछ अलग करेगा ही, तो उसने थोड़ा सा बंदर के पैर, लिटरली बंदर नहीं थे लेकिन थोड़ा सा इमिटेट करने की कोशिश की थी, तो उसने जब खरीदा उसको बोल के भी दिखाया लेकिन उधर भी उसको गुस्सा आया, वो बाहर निकला, लेकिन उसके वाइफ ने समझाया कि वो कलेक्टर है, बाद में जाके तुझे हेल्प कर सकते हैं तेरे पेंटिंग्स खरीदने में, तो फिर से वो गया नेक्स्ट टाइम, तो उसने देखा कि उसने उसके गैले उसके उन वो कलेक्टर्स का जो रहता है उन कभी कभी ना पार्टी रखी रहती है, उनके जो पेंटिंग्स रहते हैं वो डिस्प्ले किए हुए रहते हैं, तो एक टाइम पे वो जाके देखा कि उसका डिस्प्ले किया है, अरे वाह, वो देखने गया लेकिन उसने देखा कि ना एक पॉट रखा था उसके पैर के यहाँ पे, क्योंकि उसको पसंद नहीं आया था ना, उसने काटा नहीं क्योंकि उसको पता है वर्थ क्या है पेंटिंग की बाद में जाके, क्योंकि शी पेड फॉर दैट। हाँ, तो उसने एक फूल का फूल फूल क्या कहते हैं फूलदानी जी, हाँ, तो वो उसने उसके सामने रखी, पैर को ढक दिया। तो ऐसा कभी आपके साथ होता है क्या, किसी को ये कलर पसंद, जैसे अभी आपने बोला व्हाइट कलर ऐसा, तो आपको जब कोई ऐसा बोलता है तो कैसा लगता है आपको? मेरे को अभी तक किसी ने बोला नहीं है कि आपके पेंटिंग में ऐसा कुछ। ये ऐसा मैंने मेरे पेंटिंग के बारे में ऐसा क्रिटिकल कोई अभी तक किया नहीं किसी। ओके, लेकिन एक एक कहानी आपको सुना थी, आपने सुना है इसलिए। पॉल गोगिया, हाँ, ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, वेरी रिच, लेकिन पेंटिंग में वो बर्बाद हो गया। हाँ, यानी खाने के लिए वो आंधा हो गया उसका, इतना अमीर आदमी रास्ते पे आ गया। हाँ, फिर भी उसने एक एग्जीबिशन भरा अपना, तो एग्जीबिशन में उसने क्या किया था, एक लेडी न्यूड बैठी है ऐसी, उसके पाँव के पास मंकी रखा, उसने मंकी वहाँ खेल रहे, लोग आके सब देखते रहे, लिटरली रखा, पेंटिंग वेंटिंग नहीं, सॉरी सॉरी, उसने पेंटिंग किया था, हाँ, और वो और उधर मंकी दिखाया था, इधर वो बैठी है न्यूड, और लोग आके देखते हैं, बोला ये क्या हॉरिबल, ये मंकी, सब लोग पूछते ये मंकी क्या कर रहे इधर। वो आपको मालूम होगा क्योंकि मैंने मंकी बनाया है, उसको कुछ काम नहीं दिया मैंने। ओके, तो ये जो बैठी है औरत ना, वो मॉडल है सुंदर, हाँ, और जो मंकी है ना आप हो। okay. ये oh. बोला ऐसे लोग है उधर के, हम तो बोले नहीं 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 मैं वो है ना जरा अच्छा करने वाला हूँ, ऐसा नहीं, उसने बोला ये जो आप लोग देखने के लिए आए ना ये आप हो, मंकी रिप्रेजेंट्स यू, ऐसी हिम्मत चाहिए कलाकार का। और वो बड़ा अमीर था ये पॉल गोगिया, वो बहुत बुरी तरह से मर गया,
खाने को क्या हुआ नहीं दे, उसकी बीवी उसको घर में लेती नहीं थी, बोलते ये क्या कर रहे तू, इधर बच्चों को पढ़ाना है, खाना देना है, ये है वो है, तो ये क्या, वो बहुत रिच था पहले, वो सब उसने गंवाया पेंटिंग में, बोलते ये क्या है, हम मेरे घर में अभी तेरे लिए जगह नहीं है, तू जा कुछ भी कर, तो वो ये उसका लास्ट पेंटिंग था और उसके बाद में वो बीमार होके मर गया। आपके कॉलेज के टाइम पे आप कौन से आर्टिस्ट को देखते थे, पढ़ते थे? तभी हमारे मैंने माहौल में पलसीकर, गायतुंडे, अंबादास, अंबादास एक ओ, मेरा थोड़ा सा अभी मेमोरी है, हुसैन हुसैन आपके टाइम में, हाँ मैं पढ़ रहा था तभी तभी हुसैन हुसैन और ऐसे पांच छह लोग जो एक वो जिसने वो फॉर्म किया मेरा अभी वीकनेस है मेरे को, तो उसने ये ग्रुप स्थापन किया छः सात लोगों का और वो काम करने लगे और वो बहुत पॉपुलर हो गया, मतलब ये अपना प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ये तो उसका जो मोरिया था वो गोवा से आया था, सूजा ही वॉज ग्रेट, उसको मिला हूँ मैं और सूजा और बाकी के सभी इधर के थे, तो लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, यानी एक साथ उन्होंने एग्जीबिशन किया दो तीन, लेकिन जैसे कि ये मैंने तुमको स्टोरी बताया ऐसा कुछ उसमें नहीं था। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जैसे कि पिकैसो को वो समुंदर के किनारे बैठा था तो एक लेडी ने एक कागज़ दिया और उसके ऊपर अपने बच्चे को बोला इसके ऊपर उसका सिग्नेचर ले गया, बच्चा गया वो दिया, बच्चे ने उसने कागज़ रखा उसके पीठ के ऊपर सिग्नेचर किया, बोला जा। तभी क्या लोग करते थे, अरे उसका एक सिग्नेचर मिल गया तो 100 करोड़ रुपए मिल गए ना, वो पिकासो जानता था तो वो फाड़ दिया वो बच्चे के, अभी इसको मिटा के दिखा तो इतने ब्रिलियंट रहे थे लोग ये, समझे ना, हाँ क्योंकि उसको पैसा बनाना था, ये साइन करेगा तो मैं साला बच्चा बेचूंगी, हाँ करोड़ रुपए मिलेगा कि पिकासो का साइन है तो, लेकिन वो ये ऐसे नहीं, नहीं देखो सारे जितने भी पेंटर्स हैं हमारे दुनिया में उसमें से 80% लोग सोचते थे, अपना दिमाग यूज़ करते थे, बाकी के लोग कलर ब्रशेज पानी कागज इसमें डूबे रहे, समझे ना। तो हमें कौन सा आर्टिस्ट बनना चाहिए, वो 80% वाले या 20% वाले? 20 वाला, वो तो वो सोचने को मजबूर कर दे, 80% लोग कुछ सोचने को नहीं देता है, अब इधर उधर देख के करते हैं, है ना, और इट शुड बी योर एक्सप्रेशन। अभी मैं इतनी बात कर रहा हूँ बट समटाइम्स आई नाउ आई सेड लाइक इट शुड बी माय एक्सप्रेशन, ऐसे क्यों करता हूँ मैं, बिकॉज दिस इज माय लैंग्वेज, आई टॉक नॉट ओनली विद माय माउथ विद माय बॉडी। अभी आप जो ये पेंटिंग्स बनाते हो, इससे पहले आप एक छोटा सा थंबनेल या फिर छोटे से साइज के पेपर पे आप पेंसिल से कुछ ड्रॉ करते हो या फिर डायरेक्ट? मैं डायरेक्ट पेंटिंग करता हूँ। वो जब कॉलेज में था ना तभी वो करते थे स्केच और बाद में उसको एनलार्ज कर, बाद में मैंने फोर्थ ईयर में ही छोड़ दिया, ये ऐसा नहीं करने का, मैं सीधा कैनवास के ऊपर काम करने, तो कैनवास महंगे थे तभी हम वो क्रॉफर्ड मार्केट में जाके वो कपड़ा मिलता था वो लाके उसको जो वाइट ये लगा के उसके ऊपर, क्योंकि इतना महंगा रहता था तो वो सस्ते में हो जाता था, तो वो लाके उसके टुकड़े करके स्केच करके करते थे हम काम। जैक्सन पोलॉक का आपके लाइफ में क्या रोल है, आपने उनको पढ़ा था आपके टाइम पे? हाँ ये जैक्सन पोलॉक माय फेवरेट आर्टिस्ट आई वुड से। देखो वो लोग मैंने जैसे बोला ना कि मैं इसे पेंसिल से बना के अंदर कलर नहीं लगाता, आई पेंट डायरेक्टली, समझे ना, उसी तरह से ये भी उनसे ही आया है हमारे पास और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है
ही इफ आई वॉन्ट टू पेंट आई शुड हैव पेंट एंड ब्रश एंड माई सेल्फ ऑब्वियसली यू नो एंड माई सेल्फ दैट मीन्स आई हैव ए समथिंग इन माई हेड यू नो इसके साथ मेरे को काम करना है वो मैं करते आया हूँ. जब आप एब्स्ट्रैक्शन के तरफ काम करना शुरू हुआ तब लोगों के और आजू बाजू के क्या रिएक्शन बहुत निगेटिव थे. क्या करोगे? हाँ यस निगेटिव थे. इतने निगेटिव कि बोलते क्या है यार तू इतना काम अच्छा करता है ये क्या कर रहे है तू. हाँ अभी लास्ट ईयर आ गया है तो तू कुछ का अभ्यास कर. मैंने यार आपको क्यों सताता है? मैं नहीं करता हूँ या आपको दुख होता है क्या? हाँ यार तू हमारा दोस्त है ना अच्छा बात करता है अच्छा पेंटिंग अच्छा करता है पोर्ट्रेट तेरा अच्छा है ये तो ये क्या अभी क्या कर रहा है तू इधर उधर कलर लगा के. मतलब आप करो ना मैं देता हूँ कैनवास आपको जो मैं करता हूँ आप करो. वो मैं क्या ऐसे ही करता हूँ क्या? आप क्यों नहीं करते? मैं आपको कैनवास देता हूँ सब देता हूँ तो आप करो. तो चुप बैठती है क्योंकि आपके पास वो अर्ज नहीं है. मेरे पास अर्ज है करके देखने की और वो मुझे कैनवास पर करना है और आस्ते आस्ते बड़े कैनवास पर करना है. क्यों करना है बड़ा कैनवास? बिकॉज हम छोटे हो जाते उसके सामने समझे ना और फिर बड़े बड़े होने आते हैं यू नो. सो दिस इज अ काइंड ऑफ जर्नी. पेंटिंग इज अ काइंड ऑफ जर्नी. आई वॉन्ट टू गो थ्रू दैट जर्नी. तुमको तो आना ही नहीं है. तुम तो अपने आप में खुश हो इतना काम किया हो गया अपना आर्टिस्ट. नो मैं अपने आप को अभी तक आर्टिस्ट नहीं समझता भी बोलता था मैं आर्टिस्ट नहीं. मैं आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ अभी तक बना नहीं हूँ और कब बनेगा पता नहीं मुझे. सो दैट इज़ द डिफरेंस यू नो. आज वो लोग किधर है मेरे जो साथ थे? कहीं भी नहीं है. कोई लड़कियाँ शादी करके गई है लड़के को लोग कहीं इधर उधर काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं. मैंने भी काम किया इधर बॉम्बे डैंग में किया एक मिल में कहीं काम किया लेकिन उतना हो गया. बाद में मैं अपना काम करने के लिए घर आया और बोला अभी भूखा रहेगा लेकिन काम करने कैसे. मैं कैनवास हाथ से बनाता था मुझे मालूम था उसका प्रोसेस. अगर ये हमें वी कांट एफोर्ड दिस तो मैं हाथ से बनाया था. सो दिट इज़ ऑल आई मीन इट इज़ एन्जॉयबल. हाँ मैं बोला अरे क्या यार कैनवास नहीं है क्या? मैं रोते नहीं बैठता हूँ. क्या है कैनवास की प्रोसेस क्या है? आप वो शीड़ा का कापड़ मिलता शीड़ा जो बोट के लिए यूज़ करते हैं ना वो लेके आने का उसके ऊपर वो जो ये वाइट कलर गैस हो वो और दूसरा एक है उसका भी याद उसको मिक्स करके पहला हल्का हाथ बाद में थोड़ा सा थीक लेके लगा देने का. पहला सूखने के बाद दूसरा लगाने का. वो इतना फर्स्ट क्लास कैनवास होता है जैसा कि आप दुकान से खरीदो ना वैसे. और वो इतना सस्ते में हो जाता था कि हमको परवड़ता था. आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी जब आप कॉलेज से पास आउट होने के पहले? दे मेरे पिताजी मिल में काम करते थे. वो वहाँ एक क्लार्क थे क्लार्क कम समथिंग. तो एक सैलरी जो आती थी तो उनमें हम निपटा लेते थे. मेरे बड़े भाई को भी उधर ये मिला जगह जॉब मिला. फिर उधर से वो दुबई या कहीं तो चला गया. उधर वो रहा 5-6 साल और बहुत सारा पैसा लेके आया. हम अपना काम कर रहे थे. मेरे पिताजी कुछ नहीं बोलते थे ये क्या कर रहे हैं या क्या ऐसा कुछ नहीं. तब आप नहीं कमाते थे? मैं नहीं कमाता था. मैं उनसे पैसा लेता था या कभी कभी मेरे छोटे काम में बेचता था और उसका पैसा मिलता था. तो उससे मैं क्या चला लेता था. ज़्यादातर मैं कभी दुख नहीं दिया उनको. हाँ और ये आदत से मैं अपना करते रहा. और कभी कभी मेरे एक चाचा थे वो आते थे मेरे को गालियाँ ही देते. अरे ये क्या कर रहे हैं साला ये इधर जगह भी वो एक्यूपाई कर रहे हैं और ये इससे को एक तेरे को कौन देगा इसका पैसा. मतलब जब पैसा मिलेगा ना तभी मैं आपको बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि ठीक है ठीक है. लेकिन कौन देता है पैसा? मैं बोला ना मैं इधर आएगा पैसा तभी मैं बुलाऊंगा आप.
तभी जरूर आना। ये कॉलेज के बाद की बात थी? नहीं, कॉलेज के बाद, कॉलेज के बाद, कॉलेज के बाद। मेरे पिताजी तो बिल्कुल, तू तेरे को जो करना है कर, मुझे जो मैं दे सकता हूँ मैं देगा। आपके फादर शायद प्ले में? हाँ, प्ले में भी थे पहले। हाँ, मिल में भी काम करते थे, उसके बाद प्ले में। उनका उनका ये ग्रुप था, वो प्ले में काम करते थे। आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है दादा कोंड की। दादा कोंड, अरे मैं बहुत इच्छा थी मेरी, मैं कॉमेडी करने की, और लेकिन और मिला भी चांस, लेकिन वो दादा कोंड के वो वापस आ गए तो मेरा चांस चला गया। नहीं, आई थिंक पर्शिकर सर ने आपको। हाँ, वो तो है, अलग है। उसके बाद वो उन्होंने मेरे को झापा, बोला क्या है, पेंटिंग करने के लिए है या डांस करने के लिए आया? एक तो एक चीज़, एक ही चीज़ कर। तो मैंने वो थोड़ी देर के बाद मैंने छोड़ दिया और मैं फिर काम करने लगा। बट पर्शिकर गेव मी अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ गुड डायरेक्शन। आपके पास उनके कोई काम हो? हाँ, उनके काम, एक देखो ये तो एक प्रिंट है ये। ओके, उनका ओरिजिनल काम मेरे पास नहीं है, एक है छोटा है, लेकिन हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं उनके पास। यहाँ पर जो पेंटिंग्स है वो आप ही के हैं या फिर किसी ने, और के? ये सब मेरे हैं, कुछ एक दो वो तो सर का प्रिंट है। सर जब गुजर गए तो हमने स्टूडेंट ने मिल के उनका ये बनाया, और तभी उनकी जितना भी काम था वो एनजीए में मैं दिखाया हमने। एक रिट्रोस्पेक्टिव उनका किया, मैंने लीड लिया था। ये गायतुंडे का प्रिंट है। ओके, प्रिंट है। इसका कीमत है 10 लाख रुपया। ओके, लोग आते हैं मेरे बारे यार, तेरे बात, तू तो आर्टिस्ट है, तेरे को क्यों चाहिए, तेरे को तो मिल जाएगा, हमको दे दे। तो बोला ये 10 लाख में बोलता था, आपको चाहिए तो 20 लाख देना पड़ेगा। तो कोई देख लेते नहीं है, मेरे को देना रही है, तो ये अच्छा बहाना है ना। तुम 20 लाख लेके आएगा तो दे देगा भाई, वो बात अलग है। लेकिन ये मैं बेचना नहीं चाहता, लेकिन बेचना है तो 20 लाख में बेचेगा। तो ये कौन से स्टाइल की प्रिंट है? ये एब्स्ट्रैक्ट, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट ही बोलते। हाँ। देखो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपने पूछा। हाँ। एबी स्ट्रैक्ट, STRCK स्ट्रैक्ट, दैट विच इज रिमूव्ड एंड देन ब्रॉट बैक, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ओके, समझे ना। हाँ। कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई मैंने फॉर्म, आइडेंटिफिएबल फॉर्म नहीं बनाया। इसमें शायद ये लोग कहीं भी ऐसा नहीं है कि तुम पहचान सकोगे कि ये शिप है या ये बंकी है, नहीं, कुछ नहीं। दिस इज जस्ट कलर, इट इज़ माई एक्सप्रेशन, आई कॉल इट माई एक्सप्रेशन। आई फील लाइक डूइंग दिस, आई डिड। मैं किसी की परवानगी ये नहीं मांगता हूँ कि यार मैं करूँ क्या ये काम, नहीं। आई एम द किंग ऑफ माई सेल्फ, मैं मेरा खुद का किंग हूँ, मुझे जो करना है मैं करता हूँ। और ये मैंने सीखा पिकासो वगैरह जो ग्रुप है ना, दे यूज टू से दिस ओनली, दिस इज माई पेंटिंग, आई डोंट नीड एनी बडी सजेशन और एनी बडी सपोर्ट, दिस इज माई पेंटिंग, दिस कम्स फ्रॉम विद इन। ये अंदर से आता है, इसलिए अंदर से आता है तो तभी कभी कभी लगता है हाथ में कलर लेके मैं लगाता हूँ ऐसा। तो बोलते अरे तू क्या कर रहा है, कैनवास खराब कर रहा है। हाँ, मुझे खराब करके देखना है। और आप प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के टाइम पे? नहीं, मैं जूनियर हूँ उनको, मैंने वो सबको पहचानता हूँ मैं। आपने कभी मिले हो आप? हाँ, मिले, उनमें से 2-3 लोगों को मैं मिला हूँ। हुसैन तो 10 टाइम में मिला है, उसका लड़का मेरा स्टूडेंट था, ओवेस। हाँ, और हुसैन साहब को मैं अच्छा जानता था। उनका दूसरा बड़ा लड़का तो मेरा दोस्त था, दिल्ली में रहता था। हाँ, और हुसैन साहब भी कभी रास्ते में मिल जाते थे, रुक जाते थे, हाँ कैसे है कोल्टी जी, ऐसा बात करते थे। और आपकी उम्र क्या रहती थी तब? तभी मैं क्या यार, 30 साल, 30-32। हाँ, वो होंगे 75 के। अच्छा, ये वाला। हाँ, लेकिन अच्छे दिलदार आदमी थे। फिर बोलते थे चलो थोड़ा सा चाह लेंगे, तो लेकिन उन चाह के लिए दादी बा के यहाँ, दादी बा की गैलरी है ना, वहाँ जाते थे। हाँ, वो तो दादी बा सब करके देता था। फिर मुझे बोलते अच्छा आप किधर जाओगे? तो मैं घर जाऊँगा। कैसे जाते हो? बोले चल के स्टॉप तक, स्टॉप से बस से जाता हूँ। अच्छा, तो चलो मैं अपना क्रॉफर्ड मार्केट जा रहा हूँ। बोले ठीक है।
तो वो अच्छे थे, उनका लड़का सब लोग मुझे अच्छे जानते थे, सब लड़के। हुसैन सर से आपने क्या सीखा? हुसैन से निर्भीड़ था, निर्भीड़ है वो, कुछ भी रस्ते पे भी काम करेगा। हम नहीं कर सकते फेमस होने के बाद भी, और फेमस होने के पहले भी जो 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 दिल में वो आता था वो करता था, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। हम तो क्या, अरे कलर लगाने कितना अच्छा है, कलर कैनवस को ने किधर भी वो डाल दिया, चैक चैक उनको एक काम करते केमोल में उन्होंने काम किया, इधर से लेके वो दीवार तक और ऐसा 5 फीट जो इधर से शुरू किया, टैंक 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 करके इधर आके खाता हूँ मैं, हम देखते रहेंगे। वॉल पे या कैनवास पे? कैनवास पे। बोलो साला ये आदमी है हैवान, चला हमको चलो इधर ही 1 फीट जाने के लिए डर लगता है काम करते, ये तो ठैक ठो क्या, अरे बाप रे वही उनके फॉर्म्स, वो सब उनके फॉर्म घोड़ों के। यस, हुसैन साहब क्या ऐसे थे, साफ दिल के थे। हम उनको एक दफ़े लंदन में मिले, लंदन में सॉरी दिल्ली में मिले, उनका लड़का भी था, तो उनका शमशाद और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे। हाँ, वो कभी भी कहीं जाता था तो मुझे फोन, प्रभाकर तू आता है क्या, मैं जा रहा हूँ गुजरात, तो कभी जाता था, मैं कभी नहीं बोलता था, ना बोलता तो भी वो बोलता ठीक है नेक्स्ट टाइम जा, क्यों नहीं आ रहे, नहीं यार मेरे को काम है, मेरे को भी काम है, अच्छा अच्छा तू कर काम। तो ऐसे हम मिलते थे, बात करते थे, और साथ में भी कभी बात किया, कभी कैंप में एक साथ रहते थे, तो उनसे रहता, ओवियस था वो तो बाद में कहीं बाहर ही चला गया, मेरा स्टूडेंट था वो, लेकिन पिताजी अलग हो गए, फिर वो उधर चला गया पिताजी के साथ, तो उसका घर में ताला बिला हुआ ऐसा सुना है मैंने, वो भी इसके घर के बड़ा अमीर आदमी है उधर। तो ठीक है, अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ पिताजी, पिताजी ने उसको सब करके दिया वो, right. उसकी शादी हो गई है मराठी लड़की से। अच्छा, यस, ओके, मेरा स्टूडेंट रहा है ना। मैं उसको बहुत डांटता था, वो कभी भी आता था, बोले मैं देख, देख इधर टाइम पर आने, यू आर नॉट हुसैन। ओके, राइट, तो हुसैन के बारे में बताओ, आप लंदन में उनसे मिले थे? हाँ, मैं कई जगह मिला हूँ। उनका रहना कैसा था, मतलब उनके घर पे आप गए थे? हाँ, घर में भी गया हूँ मैं। उनका घर कैसा था? घर आम आदमी जैसा था, आम आदमी। हाँ, वो आदमी है ना, टू बी फ्रैंक, डाउन टू अर्थ। ओके, उसको घमेंड नहीं थी बिल्कुल, इतना बड़ा आर्टिस्ट, वो अपनी मस्ती में रहता था, और रास्ते से जाएगा बिना चप्पल पहने आराम से, वो किसी के पास देखता नहीं था कुछ नहीं, उसको पहचानने वाला कभी आते थे तो अरे तो बोलते अरे यहाँ के, तो बात करके, बट ही वाज हिमसेल्फ। हम उनको दूर से देखते थे, वो ये फुटपाथ से जा रहे तो हम उधर फुटपाथ से, अरे देख क्या कर क्या करता है, उसे देखेंगे, तो अपना हाथ में वो छड़ी लेके चलते थे, अगर आप आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तक जाते थे या कभी इधर जे जहांगीर तक, और उधर से वापस दादीबा के यहाँ आते थे, वहाँ चाय पीते थे, चले जाते थे। तो वही आई फील ही वॉज ए ट्रू ह्यूमन बींग, ऐसा कुछ ऐसा कुछ वो स्टाइल बिल, सब लोग उसको अरे सब ने देखना चाहिए खुद को इसलिए ही ऐसा कर दे, तो तुम करो ना, तुमको भी लोग देखेंगे, वो कर रहे हैं उसको देख रहे हैं तो तुमको क्यों जलन हो रही है। कई लोग ये भी कहते थे कि ना वो क्रिटिक को बहुत अच्छे से जानता था इसलिए। हाँ, वो तो है, उनके एग्जीबिशंस में भी कुछ अतरंगी करना, खुद अगर कुछ पहनाव करना है तो वो भी कुछ अलग ही रहता था। yes, yes. कभी अपना ब्रश के जैसा का उनकी जो छड़ी रहती थी, yes, yes. ब्रश के इसमें कभी पैर में चप्पल नहीं, mm-hmm. एक दौर था, तो ये अलग अलग चीजें करते थे एग्जीबिशन। या लेकिन उससे तो किसी को तकलीफ तो नहीं हुई, तो क्या मैं आकाश को छू जाऊं, ये तकदीर मेरी नहीं, आकाश नीचे आ जाए ये तकदीर आकाश की भी नहीं है, मिल जाना ये वहम रहना ये हमारी तकदीर है, समझे। तो वो वैसा था, उसको मालूम था
ये ऐसा हाथ करने से आकाश मेरे हाथ में आ जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं किया. ही वॉज रियली आई मीन फॉर मी ही वॉज ए सेंट. कभी ज़्यादा बात नहीं करेगा, काम करेगा. बात दादी बाकी जाओ यहाँ बैठ के चाय पिएगा, उससे बात करेगा, फिर निकल जाएगा और चल के ही चले जाएंगे. तो कहीं बीच में टैक्सी करेंगे चले जाएंगे. ना उनके साथ उनके बच्चे हैं या लड़के, कुछ नहीं. लोग देखते थे, अरे ये देखो हुसैन जा रहे, हुसैन जा रहे. तो हमारा भाग्य था, हम उनसे बहुत बात भी कर चुके हैं. उनका जो सरस्वती का जब उन्होंने पेंटिंग किया, बड़ा वो मॉल, वो दौर आपने देखा है? देखा है यस. तो वो कैसा दौर था, आपके क्या विचार थे वो टाइम पे, और कैसा मतलब आर्ट का वो माहौल क्या हुआ था वो टाइम पे? तभी वो सब लोग चिढ़ गए थे, जो आम आदमी है ना वो बहुत गुस्सा हो गया था. और मुझे लगा एक कलाकार का एक स्वतंत्र है, उसे क्या करना है वो करना देना चाहिए. आप थके फैक्ट्री में काम करके रात को घर जाते हैं, खाना खाते हैं, रात को अपने बीवी के साथ सो जाते हैं, वो कोई देखे तो आपको कैसा लगेगा? मेरे बात ऐसे रहती चलती है, ऐसे ही इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है. बोला आपको और आपके बीवी को एक बीच बिस्तर में देखा हुआ तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना. हाँ, यानी तुम चौंक जाओगे, अरे ये किधर से उसने देखा ये. सो बिकॉज दैट इज योर, ये तो अपनी तुम्हारी क्या कहते हैं, ये तुम्हारी अबरू है. वो कोई तो देख रहा है, ये तो अबरू निकाल के ही चल रहा है आदमी. वो पाँव में कुछ नहीं है, इधर से खुला है और वो चल रहा है अपना मस्ती में. तो आपको क्यों जलन हो गया? लोग क्यों जलते हैं इसके ऊपर? उसके ऊपर बाद में कितने लोगों ने लिखा, मैंने भी लिखा. आपने क्या लिखा? अच्छा लिखा मैंने. यस, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा बिना चप्पल चलते रहना. सब उसको क्या पागल है, पागल बनना पड़ता है. तुम्हें अगर आर्टिस्ट बनना है तो पागल बनना जरूरी है. ये कितने लोगों को मालूम है? वो पहले पागल बनते हैं फिर पेंटिंग करते हैं, वो पेंटिंग पहले करते हैं फिर पागल बनते हैं. समझे? पहले काम है, पहले काम. लेकिन आपने उस बारे में नहीं कहा, उनका जो सरस्वती का न्यूड पेंटिंग, हाँ यस, उसके बारे में बताया. वो दौर में क्या हुआ था? नहीं नहीं, वो एक उन्होंने बनाया, यानी तभी एक सरस्वती का बड़ा पेंटिंग उन्होंने बनाया और उसमें सरस्वती न्यूड दिखाई थी. ये कम्प्लीटली न्यूड नहीं, थोड़ा. तो उसे बड़ा बवाल मच गया, तो उसने उसके लिए माफ़ी मांगी और वो उतार दिया पेंटिंग. ये माफ़ी मांगनी जरूरी थी आपके हिसाब से? मतलब नहीं, उन्होंने मांगी, मेरे हिसाब से तो नहीं मांगनी चाहिए थी. हाँ, मैं अगर उनकी जगह होता था मैं नहीं मांगता. ये मैंने किया हुआ काम है. आपको मुझे गोली मारना है मारो, आपको मुझे मारना है कैसे भी मारो, आप क्यों मारेंगे? मैंने तो वो कई मूर्ति को लाके, यानी एक कोई औरत को लाके नहीं खड़ा किया ना, एक पेंटिंग बनाया हमने. इसके ऊपर मैंने लिखा भी था इनके साइड से कि अरे ये एक पेंटिंग है और एक सरस्वती तो नग्ने भी दिखा है हमारे शास्त्र में. तो तभी आप ही ना जाके बोलते हैं सरस्वती है, लेकिन वो स्त्री है ना. तो हुसैन ने अगर सरस्वती में एक स्त्री देखा तो क्या आपको तकलीफ है? हाँ, और उसने ऐसा कुछ वो निकाल के उसको कुछ इधर उधर से कुछ ऐसा कुछ गंदा किया होता तो बात अलग थी. ब्यूटीफुल सरस्वती बनाया उसने. तो यू व्हाई डोंट यू सी द ब्यूटी ऑफ इट. ये राजा रवि वर्मा के साथ भी ऐसा हुआ था उनके. हाँ, वो देखो जो हमारा जो देश है, हमारे देश में जो लोग हैं वो अभी भी मस्तिष्क उनका नीचे ही है, ओपन माइंडेड नहीं है. वो अभी देवता है, तो देवता तो तुम बिना देखे भी देवता को स्मरण कर सकते हो ना. तो इधर किसी ने दिखाया है तो आपको उसने तो
उसमें कुछ काढ़ी किया है ना क्या उसने, उसके भाई पीछे वाले इसमें कुछ फ्रेम ब्रश लगाया होगा या उसके स्तन ज़्यादा ही दिखाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं। ब्यूटीफुल सरस्वती उसने बनाया और वो उसको पूरा नंगा भी नहीं था तो उसमें क्या क्या क्यों, फिर सिर्फ वो हुसैन जो मुस्लिम है उसने बनाया। हमने तो उसके ऊपर लिखा था दिस इज एन आर्ट, किसी एक आर्टिस्ट के ऊपर गलत तरीके से एक पॉलिटिकली एक मूवमेंट हो जाता है, तब वो टाइम पे कोई आर्टिस्ट एक साथ आके कुछ हुआ था ऐसा कुछ? अनफॉर्चुनेटली नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वेयर महाराष्ट्रियंस ब्राह्मीण वगैरह वगैरह, तो उनको बोला हाँ अच्छा हो गया सर और इसको मारना चाहिए, ऐसे लोग थे। बट लेकिन ही इज़ अवर कलीग, वी आर आर्टिस्ट, ही इज़ ऑल्सो आर्टिस्ट, ये क्यों नहीं सोचा कभी? उसके खिलाफ कितने कितने गंदे गंदे लोग ने लिखा है लेकिन उसने कुछ नहीं किया, हमने लेकिन उसके बारे में अच्छा लिखा, हमने लिखा टेक इट एज एन आर्ट फॉर्म। तुम खुद को देखते नहीं घर में पूरा कपड़ा उतार के, तब किसी ने आपको देख लिया और कब बनाते थे वीडियो तो कैसा लगता था आपको? वैसा तो नहीं किया ना उस, सो दिस इज मेंटालिटी, लोगों की मेंटालिटी ऐसे, उसको क्या करें। कपड़े के अंदर सब लोग नंगे होते हैं पैदा होते ही है। ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा लाना था, क्योंकि देखो हमारी संस्कृति जो है ना वो ऐसी ये नहीं है, वो विस्तीर्ण नहीं हुई है, वो आज ना आज को भी अच्छा बुरा ये गंदा ये अच्छा ये चल रहा है। एक अच्छी औरत सुंदर औरत को बार बार खोल खोल के देखेंगे, चलेंगे बार बार देखेंगे, देखते हैं ना क्यों देखते हो? सुंदरता, तो वैसे ये उसने उसकी उसमें से सुंदरता देखो ना, वो लक्ष्मी जो बनाई सरस्वती अल उसकी सुंदरता देखो ना, वो किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पेंटिंग है अभी भी। हाँ वो तो कहीं गया होगा तभी वो बड़ा पोस्टर होके लगा था ओके, तभी और कई कई जगह जगह उधर से उतार दिया। हाँ तो क्या हमारे यहाँ मेंदू इतना है लोगों का? एनएस बेंद्रे उनके बारे में भी आपका कुछ मतलब आपके लाइफ में एनएस बेंद्रे का भी? वो एनएस बेंद्रे मेरे टीचर जो थे पलसीकर उनके गुरु थे। ओके हाँ, तो वो तो ग्रेट आदमी थे, मैं दो चार बार उनके पास गया था, बट ही वॉज रियली काइंड ऑफ स्टूडियस, बहुत मेहनत करके काम करते थे और उनके काम में जो फॉर्म जो है जैसे कि बाई सितार बजा रही है तो बस वो सतार बजा रही है इस तरह का है, बट उनका टेक्निक जो है पॉइंटलिज्म वो बहुत ही अच्छा था। तो हाँ यस, पॉइंटलिज्म मतलब पॉइंट पॉइंट दे के शेड्स तैयार करना, वो तो बहुत अच्छा था। और वो हमारे पलसीकर साहब के टीचर थे, तभी वो बड़ौदा में पढ़ाते थे। क्या और गायतुंडे के बारे में भी आपके, आप वो ही टाइम के होना तो मुझे है ना? हाँ नहीं मैं जूनियर हूँ उनको। हाँ जूनियर हो, लेकिन आप वो दौर में थे जहाँ पे अभी के जो आर्टिस्ट से मैं बात करता हूँ उन्होंने उन सब आर्टिस्ट से नहीं मुलाकात की है या फिर सिर्फ उन्होंने किताबों में पढ़ा है, लेकिन आप वो टाइम के हो लकीली जो आप वो दौर देख चुके हो, तो इसलिए मैं एक एक आर्टिस्ट का थोड़ा थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, उस वजह से लोगों को पता चलेगा रियल कैसा था। तो गायतुंडे के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। गायतुंडे वो जिसे हम कहते हैं ना मौनी था, ज़्यादा बात नहीं। हम एक दिन उनके घर पे गए थे, दरवाज़ा खट गया, क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, आपको मिलना है। क्या मुझे मिल के क्या करोगे? जाओ अपना काम करो सीधा ये बात। तो फिर मैं गया, दूसरे चार पांच दिन के बाद वापस गया, खोला, अरे क्या तुमको काम धंधा नहीं है क्या? सर काम धंधा भी है, आप भी है,
मुझे आपसे कुछ थोड़ा सा आपके साथ रहने है। क्या रहने है, मैं किसी के साथ नहीं रहता हूँ, जाओ बाद में कभी आओ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमने बैठ के बहुत बातें की, मैंने मेरी कविताएं सुनाई वगैरह वगैरह, तो वो हो गया। लेकिन उसके बाद में वापस कभी नहीं। फिर एक दिल्ली में मिले थे, दो टाइम मिले थे दिल्ली में, लेकिन जैसा बात करने के लिए नहीं, बोलते क्या बात करने के, काम करो, अपना काम करना ही बात है, अपने आप से बात करो। क्या हो कितना बड़ा ये उन्होंने मेरे को दिया है, और उसके बाद आपको उन्होंने दिया, जिन्होंने पहली बार में आपको घर में भी ये, हाँ ये इसको उनके घर में गया था मैं, तो इतनी इतनी छोटी सी जगह पे हम इधर बाहर थे, वो ऐसा कैनवास डाल के ऐसा पेंटिंग कर रहे थे, तो मैं पीछे जाके चुप बैठा ऐसा देखते, तो हमारे में एक कहावत है, बाईच्या पाटेला डोळे असतात। तो मैं तो बोला बाईच्या काय, पुरुषाच्या पाटेला डोळे असतात। तो मैं ऐसा खड़ा था, तो उनको क्या तुम्हें काय करता इकड़े, मराठी में बोलते थे मैं, नहीं सर म्हटलं जरा, नहीं 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 मैं काम करता ना, कौन सर तुम्हें जा तिकड़े था ऐसा क्या। तो थोड़ा सा देख लिया मैंने, बाद में पूरा होने के बाद उन्होंने बाहर लाया, हमको दिखाया, बाकी रख दिया, फिर मेरे पास आए, देखो मैं बचपन से लेके मेरे माँ बाप को छोड़ा, मेरा कोई शादी नहीं हुआ, मेरी बहनों को छोड़ा मैंने, मैं अकेला रहता हूँ, और मैं मेरे ये जो कुछ कर रहा हूँ ना उसके साथ जी रहा हूँ, मुझे ऐसा डिस्टर्ब मत करो। पाँव जोड़ा ना, मैं डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, मैं समझता हूँ आपको, लेकिन कुछ पहले बात करो मेरे से, मैं आ रहा हूँ, तो आप सीधा चले आए। आई एम सॉरी सर, मैं दिल्ली में आया था, आप दिल्ली में रहते इसलिए आया, मेरे आँख में तो आप पानी आ गया। मैं बोला मुझे क्षमा कर दो, और या कहीं कुछ शिक्षा करने तो कर लो, लेकिन आप हमारे भगवान हैं। तो मेरे को नियत है, ठीक है ठीक है, जाओ हाँ भला भाओ, इस तरह का हो गया। उसके बाद में मैं गया नहीं। फिर ये प्रिंट आपको कैसे उन, हाँ तो वो जो काम कर रहे थे उनके घर में, तो मैं पीछे जाके खड़ा रहा था, तो उनको लगा ना वो कोई है पीछे, अरे तुम्हें क्या करते हैं, मतलब सब बगल हो तो तुम जाओ, नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं सब बगल से नहीं जाओ, तो मैं जाके बाहर बैठा, तो वो उनका प्रिंट निकाल रहे थे दूसरा, जो ये जो पेंटिंग है ना उसका, तो वो प्रिंट निकाला लेके आया मैं, ये आपको, कुछ नहीं बोले, ये तुम इधर क्यों आए, क्यों देखा हो, दे दिया ऐसे प्रिंट, आप लेके जाओ, क्योंकि वो उनको वो मुझे जानते थे, उनका मेरा और उनकी जो सहेली थी, हम तीनों का मिलके वो है, यानी क्या है पिक्चर है, हाँ वो फिल्म है, तो वैसे हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन कभी कभी आर्टिस्ट अपनी धुन में रहता है ना, तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैंने आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखा आपका लखनऊ वाला, मैंने लखनऊ में सुबह ही मैंने देखा, वहाँ पे आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, मतलब मैं देखते वक्त ना मैंने ऐसे जाना कि आप कर रहे हो, और एब्स्ट्रैक्ट ये बहुत स्पॉन्टेनियस होता है ये एकदम बिल्कुल, और मतलब ऐसा नहीं रहता कि अभी डेमोज हमारे कॉलेज में अभी ये एग्जीबिशन का टाइम था तब डेमोन्स्ट्रेशन रखते, तीन दिन का जो रहता है एग्जीबिशन, तो दो दिन डेमोन्स्ट्रेशन रखा था पोर्ट्रेट आर्टिस्ट का, तो उनके लिए कैसा सिंपल में हम कलर्स का सेट लेके रखते थे बाजू में, उनका प्रॉपर बाउल ब्रशेस एंड ऑल उनका सब लाके रख देते थे, तो उसके बाद उनका काम शुरू होता था और वो एंड तक दो घंटे तीन घंटे में खत्म कर देते थे। बट आपके जो डेमोन्स्ट्रेशन था उसमें लिटरली आपको ये चाहिए वो चाहिए हर वक्त, आपने एक टाइम पे तो एक फड़ी मांगी, लकड़ी का एक लंबा ऐसा जो स्केल रहता है उसमें जैसा एक लकड़ी का टुकड़ा मांगा, उससे आपने ये किया, अलग अलग आप चीजें यूज करते हो, तो ये बहुत ही अलग पेंटिंग का एक ये है। यानी मैंने क्या समझा है पेंटिंग को, पेंटिंग is a ways of seeing and digesting.
मैं देखता भी हूँ और डाइजेस्ट करता हूँ, यू नो, मेरे आँखों में रख देता हूँ उसको, समझे ना, ये बात है। ऐसा कुछ मेरे को कुछ बड़ा कुछ किया मैंने, ऐसा कुछ नहीं लगता। इट इज़ एक, जैसे कि हम एक औरत बच्चे को जन्म देती है ना, हम भी ऐसे किसी एक चित्र को जन्म देते हैं, ये बात है। तो उसके लिए मैं कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं ढूंढता, आई नीड कलर, ब्रश, वाटर एंड जो कुछ है कैनवास, ये अपना काम हो गया। नहीं, मेरे को ये शार्प ऐसा ब्रश चाहिए, मेरे को ये ली ये नंबर का ब्रश चाहिए, मेरे को ये कलर चाहिए, ये मेरे ये हमें आप मिट्टी भी ला के दोगे ना तो हम उसका सोना बना देंगे। हम ऐसा नहीं ढूंढते रहते, नहीं है, चलो मिट्टी से काम करेंगे। मैं वही डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा था, आप कई उन्होंने एक्चुअली कलर्स के बहुत से ट्यूब्स रखे थे लेकिन आधे खत्म हुए, आधे अच्छे ऐसा हो रहा था। आप जो कर रहे थे तब अचानक से कलर निकल नहीं रहा था, अचानक से निकल जाता था, तो आपको एक्सप्रेशन में समझ में आता था कि आपका उधर नहीं डालना था लेकिन गलती से गिर गया, फिर भी आप ऐसे निकाल के बाजू में रख देते थे। एक बार तो आपको व्हाइट चाहिए था, सिल्वर की ट्यूब रखी थी, वो भी ऑयल की, तो आपने वो भी घिसके निकाला और इतना अच्छा, ये सब आपने इसमें देखा, वो डेमो वीडियो में देखा। हाँ, तो उसमें भी मैंने देखा कि मतलब लिटरली इतना अच्छा फ्लो बना था, आई थिंक 10-15% जो कंप्लीट हो चुका था, फर्स्ट फ्लो वो बहुत ही फ्रेश रहता है, अच्छा लगता है। तो उधर अगर सिल्वर गिरा और आपने घिस के निकाला, वो पार्ट थोड़ा सा ये हो गया, मड़ी हो गया। तो मैंने सोचा कि वो मेंटल स्टेज कैसे आप हैंडल करते हो डेमोन्स्ट्रेशन में ऐसे टाइम पे। अभी मैं 77 मेरा हो गया, इतने साल हो गए, अभी मेरे जो दोस्त थे, मेरे क्लासमेट्स, आज अपने अपने घर गए हैं या कहीं गए, हमारे पास कहीं मिलते नहीं कुछ नहीं, मैं अकेला हो गया हूँ। मेरा एक जिगरी दोस्त था, वो बेचारा बीमार है, वो हिल नहीं सकता, सालवे, तो उसको मिलने के लिए जाता हूँ कभी कभी। तो जो बचा हुआ टाइम है, तो आजकल मैं जैसे कि आप लोग आए, मैं मुझे इसमें बहुत खुशी होती है कि आई एम ए टीचर एंड समबडी हैज कम टू टेक सम लेसन्स फ्रॉम मी, ये मेरा जीवन है। मैं मेरा काम में मैं कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन आज आए हैं दो लोग और उनको अपने प्रश्न पूछना है, हमको जवाब देना पड़ेगा, ये मेरा काम समझता हूँ। अभी आप जाएंगे तो फिर मैं काम करूँगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, यू नो। एंड ये जो मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन में कभी देता नहीं है, लेकिन वो जो उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे पहले एक दफ़े भी देखा था कहीं, तो बोले सर हम मिले थे आपको इधर उधर, सर मेरे ध्यान में, तो हमने सब ला के रखा है, आप एक करके दे दो, बोला ठीक है। तो मैंने उधर करके दिखाया, बोला क्या होता है वो, मैं उनको बोला कि ये आपके स्कूल के लिए, हाँ हाँ ये स्कूल में ही रहेगा, आप कभी भी आइए आपको यहाँ मिलेगा वो, बोला ठीक है, मैं लेके नहीं जाएगा लेकिन ये स्कूल के लिए किया है। तो ऐसे करते रहता हूँ, कभी कभी बुलाते हैं लोग मुझे और पैसा भी देना देते हैं, मैं लेता नहीं हूँ। आपने बहुत सी बुक्स लिखी है, बहुत सी लिखी नहीं है। मैंने लिखे एक 5-6 बुक लिखी है, 5-6 बुक्स लिखी है और अभी 2 लिख रहा हूँ। आपने कविताएं भी बहुत बनाई है, उसमें से एक कविता आखिर में अभी पॉडकास्ट एंड करने का वक्त आ चुका है। अच्छा, शाळा सुटली पॅन्ट फाटली, सवंगड्याने बोटे घालून ती इतकी फाटली की टाके घालण्यासाठी सुद्धा नाही उरली। ओके, शाळा भरली दातखिळी बसली, शाळा भरली दातखिळी बसली, सगळे विद्यार्थी बाकावर बसले, मास्तर मात्र टेबलावर उभे राहिले कारण ते बुटके होते। तिसऱ्या दिवशी पाऊस पडला इतका की शाळा म्हणता म्हणता वाहून गेली, बाकडे पाण्यावर तरंगत होते, पोहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ती बाकडे घरी नेले, बाकडे विकून ते श्रीमंत झाले, पोताने पाकडे
विकणारी ती विकली, बाकडी विकून ते श्रीमंत झाले, पोहता न येणाऱ्यांना वाईट वाटले, पण अभ्यासाची कटकट संपली म्हणून डोळे आनंदाने भरून आले. बाकडे चोरांनी दारूबट्टी सुरू केली, त्यांनी बाकडे चोरून नेली, त्यांनी दारूबट्टी सुरू केली, त्यांना इतकी कमाई झाली की त्यांनी शाळेच्या जागेवर नवीन शाळा बांधून दिली. हा याचा ही जरा पोएटिक आहे. अंधारल्या दाही दिशा डोळ्यात आठवण थांबली, पाय रुजले मातीमध्ये आणि झाली त्यांची मुळे. आकाश काळे कुट्ट सारे उतरले थेट खाली, खोल मुळापर्यंत माझ्या अनवाणी पायातून, खांद्यांना फुटल्या फांद्या पुष्ट हातासारख्या, मग मी माझे हात पसरले आणि ते हवेत हरवले. डोळ्यात पडले एक फूल ते झाले पापण्यात गुल, गुलाबातून आला नाग त्याने फुतकारले गाणे, त्याने फुतकारले गाणे. झाले शरीर लिबलिबीत चिखल जणू मिचमिचेत, त्यातून साकारली मूर्ती तिने दिली डोळस मुक्ती. कथेसारखी सांज वाचली भविष्यातल्या अंधाराचे, सावलीत चंद्रकोरीच्या फसलेली ती भेट साहिली, आणि घेतली डोळ्यांमध्ये तीक्ष्ण चांदण्यांची चकमक, भेदरलेल्या शेंगावरची कोणा हरणाची ती टकटक. तरी माझ्या पायाखाली खस्ता माती खचली छाते, आणि डोंगर माथ्यावरल्या खचला किंचित खडा दुपारी, आणि थांबलो माझ्यासाठी मीच आता माझ्याजवळच, दूर दूर मन हरून गेले, गुपितचे मज कधी न कळले. वाऱ्याने वाहणे पाण्याचे गाणे, काळजात जसे स्वप्नांचे घुसवणे, पक्ष्यांनी बोलणे स्वतःचे ऐकणे, श्वासाने जसे निश्वास जपणे. तुम्ही फार लिहिले आहेत, जवळजवळ 150 कविता आहेत. आता त्या मी छापणार, पुस्तक करणार. फोन आलो बाबा. अभी जो आपने ये मराठी में पोएट्री आपने जो अभी गा के बताई, पढ़ के बताई, ये बचपन से ही आपको शौक था या अभी? बचपन से यानी मैं बोलूँगा, मैं 9th स्टैंडर्ड में गया ना स्कूल में, तभी से पहले से था, तभी बढ़ गया, तभी मैंने कविता की थी, मुझे अवार्ड मिला था. हाँ, एक संस्था ने मेरे को अवार्ड दिया था. तो मुझे और भी अच्छा लगा. तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग, म्हणजे प्रेम पो कविता आहेत माझ्या, आणि अशा काही क्रिटिकल कविता आहेत, सगळ्या प्रकारच्या कविता मला खूप आवड वाट, म्हणजे लिहितो मी दररोज, सतत लिहित असतो. आता कविता नाही लिहित, आता ती दोन पुस्तकं करतो आहे मी तुम्हा मुलांसाठी, ते म्हणजे खरंच चांगले आहेत ते, म्हणजे एक पॉल गोगोईच्या लाईफवर आहे, ते रडाल. पॉल गोगोईचं पुस्तक मिळणार नाही, मिळालं तरी खूप महागात मिळेल. तर ते मी काढतो आहे आणि मराठीमध्ये मराठीत ट्रान्सलेट करून, तर त्याचं पुस्तक आज तुला 9,000-10,000 अशा ह्याच्यात मिळेल. पण मी ते शक्यतो फार तर 500 रुपयात, कारण त्या माझा खर्च होतोच ना, पण मी काय त्याच्यातून कमवण्यासाठी करत नाही, ज्यांना वाचायचं आहे त्यांनी 500 रुपये द्यावेत, घेऊन जावं. कब तक आएगा ये होईल आता माझं, म्हणजे मी आता मराठीत करतो येते ना, तरी एक जे होतं स्टोरी ऑफ पेंटिंग ते मराठीत झालेलं आहे, इतिहासाचं पुस्तक आहे. आणि दुसरं आहे वेज ऑफ सीईंग, ते जरा वेळ लागेल, जरा इंग्लिश आहे आणि जरा कटकटीच आहे. पण दुसरं जे आहे गोगोईच्या लाईफवरचं, आणि दुसरं एक आहे ते चांगलं आहे, म्हणजे सगळ्यांसाठी आहे, म्हणजे मराठी मुलांसाठी करतो मी हे. इंग्रजी मुलं वाचतात तरी इंग्रजीतून, आपली मुलं मराठीत पण वाचत नाहीत रे, वाचायला पाहिजे. आय मीन लेट मी टेल यू, मी पण वाचत नव्हतो, पण मला माझ्या सरांनी सांगितलं, काय वाचतोस रे? म्हटलं सर म्हणजे लायब्ररी जाऊन बसतो मी, काय असं वा. त्याला वाचन नाही म्हणत, तू एक आता पुस्तक घे आणि वा. ओके सर. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आणून दिलं मला एक पुस्तक, ते ज्ञानेश्वरीचं होतं, हे वाच म्हणे. मी ते वाचलं, सरांचं ऐकलं नाही तर, म्हणजे ते काय बोलले नसते, पण सर आमचे परमेश्वर आहेत, आज नाही आहेत ते. हां, तर तो मी ज्ञानेश्वरी वाचली, तुकारामाची गाथा वाचली, मी नंतर त्याच्यावर विचार करत होतो, सरांनी
ही का पुस्तकं दिली मला वाचायला. देन आय रीड अगेन अँड आय रिअलाइज वॉट ज्ञानेश्वर सेज, ही टॉक्स अबाउट द इंटायर युनिवर्स आणि त्या युनिवर्समध्ये आपली काय जागा आहे, आपण एक काळं ठिपकं पण नाही आहे. आणि ते जर का खरं असेल तर त्या ठिपक्याला आपण मोठे करू शकतो का आपल्या ज्ञानाने. त्यांनी ही कविता लिहिली आहे ज्ञानेश्वरांनी, पण मी काय त्यातलं घेऊ शकतो की जे मला समृद्ध करेल. आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट आय मीन. त्यांनी किती लिहिले, हां तर ते मी करतो. म्हणजे सरांनी हे जो मला लावलं आहे माझ्याकडे की हे वाच, आज सर नाही आहे तर ते मी वाचत असतो. त्यांनी किती हजार हे लिहिले. हो येस ऑफकोर्स, ज्ञानेश्वराचं ती एवढी मोठी गाथा आहे, पण तेवढी सगळी मी अजून वाचलेली नाही आहे. पण मी त्यातले काही पेपर वाचलेत आणि ते मी माझ्या भाषेमध्ये पुन्हा लिहून काढलेत. लक्षात आलं, त्यांचं आहे तशी नक्कल करायची नाही, त्यांना काय म्हणायचं आहे ते मी ते माझ्या भाषेत परत सांगतो. लक्षात आलं, त्यांची भाषा संस्कृत भाषा आहे किंवा ती संस्कृतला जवळ असलेली त्यावेळीची भाषा आहे. पाहे पा शाखा पल्लव रुखाचे, हे काय नवती एकाचे बीजाचे, परी पाणी घेणे मुळांचे ते मुळींची गापे. आता हे साधं आहे पण सगळ्यांना कळणार नाही. पाहे पा शाखा पल्लव रुखाचे, म्हणजे रुख म्हणजे खालचा काय करू रूप ज्याला म्हणतो तो खालचा भाग. ओ हा मूळ. पाहे पा शाखा, शाखा म्हणजे पान. पा पाहे पा शाखा पल्लव रुखाचे, म्हणजे खाली पण पानं फुटतात ना ते. हे काय नव्हती एकाची बीजाचे, म्हणजे हे सगळे जे दिसतंय ते एका बीजातून आलेलं आहे हा सर्वात मोठा वृक्ष. हे काय नव्हती एकाची बीजाचे, परी पाणी घेणे मुळांचे, ते आपण पानानं पाणी नाही घालत मुळांना घालत, असं ज्ञानेश्वर सांगतात. असं त्यांनी फार सुंदर सांगितलेलं आहे. तर मी वाचत असतो त्याच्यातून आपल्या, मी टीचर असल्यामुळे मला माझ्या क्षेत्रामध्ये काय करता येतं, काय सांगता येतं मुलांना. जर आम्ही चित्र म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय एम व्हेरी क्रिटिकल अबाउट वन थिंग, की मुलांना आम्ही जेव्हा सांगतो, मी तरी असताना मी असं, हे आज तुम्हाला काय हवं ते करा. प्रत्येक वेळी मी हे सांग, तुला काय करायचं ते कर. मग ते काय करायचं ते करतात. पण नंतर मी त्यांना जेव्हा विचारतो, नो तू मला सांगू शकशील, बाजूला ठेव, तू काय लिहिलं आहेस ते, तू मला सांग तू काय लिहिलं आहेस. नाही म्हणजे असं पाठ नाही केलं पण मी सांगू शकतो, सांग ना मग, मी एक तास बसतो इथे. पण तिस म्हणजे आपण वाचन करतो, एकदा वाचून बाजूला टाकून देतो, त्याचं मनन झालं पाहिजे. आता हे जे मी बोललो असे अनेक श्लोक माझे पाठ आहेत. हां, पाहे पा शाखा पल्लव रुखाचे, पल्लव म्हणजे पानं, रुख म्हणजे खालचा मुद्दा. तर तिथून सगळे पानं आलेले आहेत. पाहे पा शाखा पल्लव रुखाचे, हे काय नव्हती एकाच बीजातून आलेले आहेत. हे काय नव्हती एकाची बीजाचे, परी पाणी घेणे मुळांचे ते मुळींची घापे. पाणी आपण वरती देतो ते चुकीचं आहे, मुळांना दिलं पाहिजे पाणी. मग हा मग याच्यानंतर आता आपला जो विषय आहे, गणित असेल, शास्त्र असेल, पेंटिंग असेल, तर त्याला आपण कसं लावू शकतो याचा विचार करायला ज्ञानेश्वर सांगतो. दिस इज तो फार मोठे लोक आहेत हे. एवढं जरी आपल्याला कळलं ना काय ज्ञानेश्वर बोलतो, तरी आपण ज्ञानेश्वर करणं होणं कठीण आहे, पण ते जे ज्ञान आपल्याला मिळतं ना ते आपल्याला खरंच काहीतरी देऊन जातं. हे दिस इज व्हॉट आय मीन. तो सर जाते जाते जो ॲबस्ट्रॅक्ट बहुत ही कम अभी आर्टिस्ट है, स्टूडेंट्स है जो ॲबस्ट्रॅक्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब लिटरली आपके टाइम पे भी आप गिने चुने ही आर्टिस्ट रहेंगे जो एब्स्ट्रैक्शन में अभी आप काम करते हो. बराबर. तो जो अभी काम कर रहे हैं उनके लिए आप कैसे, मतलब आपको भी पता है कि एब्स्ट्रैक्शन में स्ट्रगल है, क्या क्या कठिनाई या सामने आती है, तो आपके साइड से कुछ आप उनके लिए कुछ दो शब्द कह सकते हो क्या एब्स्ट्रैक्ट को, अगर आप उनको मोटिवेट करने के. हाँ जो बराबर है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का सबसे पहला फंक्शन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये समझ लेना चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट का यानी कुछ भी करना नहीं है. हाँ, लोग कुछ भी कर रहे हैं, यानी कुछ भी करना यानी एब्स्ट्रैक्ट. वो नज़दीक है, एब्स्ट्रैक्ट के नज़दीक जाने वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं है वो.
एब्स्ट्रैक्शन में हम कुछ तो कह रहे हैं, हम अपने वो तो दिखाई नहीं देते अंदर क्या है, हाँ लेकिन हमारे आँखों में है वो, और हम सोचते हैं कि हम ये बनाएंगे, हम इधर ये कलर लगाएंगे, इधर ये टेक्सचर होगा वगैरह वगैरह, ये सब तैयारी करके हम जब उतर जाते हैं कैनवास के ऊपर, तब क्या वही ध्यान में रहता है क्या? तो नहीं, अगर रहता है तो निकाल देना चाहिए। सामने पे कैनवास आने के बाद यू मस्ट जस्ट स्टार्ट, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और करते करते मैं ऐसे हाथों वार भी कर रहा हूँ, यस ऐसा नेचुरल वो करना है, ये है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यानी तोड़ मोड़ करना, ऐसा जो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन यानी कलर के ऊपर कलर लगाना या कलर को लगा के निकाल देना, ऐसा नहीं है। यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो आकार आपने पहले कभी भी नहीं दिया देखा था, ऐसे आकार लेके आप कुछ देखना चाहते हो, आप दिखाना नहीं चाहते हो, दिखाने की कोशिश मत करो, देखो, इसको मैं एब्स्ट्रैक्शन बोलता हूँ। जो आर्टिस्ट अभी एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको आगे, अभी आपने काफी आपकी उम्र अभी तक आपने एब्स्ट्रैक्शन में निकाली है और आपको पता है कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जो अभी कर रहे हैं उनको भी शायद उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे फाइनेंशियल, तो उनको वो कैसे संभालते हुए आगे बढ़ना, उनके लाइफ में एब्स्ट्रैक्शन चालू रख के उनकी लाइफ आगे बढ़ाना, क्या 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 कैसे उनको मोटिवेट करो? देखो, हमने भी हमारे माँ बाप थे, मेरे पिताजी काम करते थे, जो पैसा मिलता था उसमें हमारा घर चलता था, और हमें कोई, मैंने कभी मांगा नहीं पिताजी से कि मुझे कलर लेना है, ये पैसा चाहिए, मैंने कभी नहीं मांगा, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मैंने सोचा कि हम गरीब लोग हैं, मेरे चार भाई है, दो बहनें हैं, तो ये सबको मेरे पिताजी संभालते हैं, तो मुझे कम खाना चाहिए और मुझे कम से कम उनको तकलीफ देना चाहिए, ये मैं सोचा। मेरे भाइयों ने क्या सोचा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये सोचा कि मैं अभी मेरे पाँव पर खड़ा हूँ, हाँ तो मैं मेरे पाँव पर ही खड़ा रहूँगा, अभी दूसरों के पाँव नहीं लूँगा मैं, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है वो मैंने किया। मुझे पैसा चाहिए तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में इलस्ट्रेशन किया कुछ साल तक, हाँ बॉम्बे डाइंग में मैंने काम किया, वो कपड़े का डिज़ाइन वगैरह करता था, उसमें मुझे अच्छा पैसा मिलता था, मैं नौकरी किया उधर 2-3 साल, हाँ यानी जो भी मैं सोचा कि जो भी काम मिलेगा ना करेगा मैं, लोग शायद मेरे को ये बोले क्या साला आखिर आया ना, आपका नौकरी कमर्शियल, लेकिन वो जो मैं कर रहा था वो ऐसा किसी का देख के नहीं कर रहा था, उसमें किसी जो पेंटिंग में हम जो करते वैसा नहीं करता था मैं, क्या वो एक साड़ी 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 का डिज़ाइन चाहिए तो मैं साड़ी का डिज़ाइन बनाता था वो कपड़े के ऊपर, तो ये किया। फिर मुझे कॉलेज में नौकरी मिली, कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर करके, फिर लेक्चरर हो गया मैं, और फिर सीनियर लेक्चरर हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया, हाँ तो मुझे, लेकिन मेरे को सिखाने को अच्छा लगता है, हाँ और मैं बहुत अच्छा सिखाता था, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वो इतने बढ़ गए कि मुझे लगा कि इनसे दूर रहना अच्छा है, तो मैं पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स, और वो जात वात जो है ना वो मेरे पसंद नहीं है। आई मीन इफ यू आर शेड्यूल कास्ट तो यू आर शेड्यूल कास्ट, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। मैं मराठा तो मैं मराठा हूँ, मैं भंगी हूँ तो मैं भंगी हूँ, ये होना चाहिए। तो ये सब साला वो अपना पैसा जमा लेते हैं, उनके बड़े बड़े लोग उधर इसमें बैठे हैं, उनको देते हैं पैसा, तो और तुमको हमको देते नहीं है क्योंकि हम वो नहीं है, शूद्र नहीं है हम, तो इसका मुझे बहुत गुस्सा है। आई मीन वी आर ऑल वन, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, और सबको सेम एटीट्यूड होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मुझे बहुत गुस्सा है। That's why you left the... Yes, I left the JJ School of Art, क्योंकि ये सब इनको कुछ बात करने को नहीं आता है, एक लेक्चर देने को नहीं आता है, हाँ उनको काम करने को नहीं आता है, उनके पास पेंटिंग के लिए क्या है कुछ नहीं है, बट 1.5-1.5 लाख रुपए पगार लेते हैं, मेरे को 3,500 रुपये पगार मिलता था। ओके, और वो टाइम पे दूसरों को कितना मिलता था? मैं दूसरों को ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा मिलता था क्योंकि मैं बाद में गया, लेकिन अभी जो है ना
उनको इतना पगार 6-7 लाख क्या है, वो क्या करते क्या है वो? इंडियन जो इंडियंस एब्स्ट्रैक्ट को कैसे देखते हैं? और ऐसा नहीं, इंडियन एंड वेस्टर्न ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये सब लोगों ने क्रिएट किया है। हाँ, बराबर। और अपने लोगों ने क्रिएट किया। एब्स्ट्रैक्शन इज एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट वी आर सेपरेटिंग समथिंग, राइट, सेपरेटिंग वंस ट्वाइस थ्राइस और मे बी 10 times, राइट, एंड व्हाट वी गेन वी पुट इट इन द पेंटिंग, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है ना। हाँ, मैंने जब एब्स्ट्रैक्शन शुरू किया तो मेरे जो सीनियर बोले क्या है यार, एब्स्ट्रैक्ट बहुत ईजी है ना, इसलिए लिया है तूने, वरना ऐसा समझो तुम। लेकिन बाद में जो रिजल्ट आएगा ना, तभी तुम्हारे ख्याल बदल जाएंगे। तुम अभी हंस रही हो मेरे काम पर, बट वेन आई कंप्लीट इट तुम मेरी पार्ट थेपते पाओगे। अरे छोड़ छोड़, कर करके देखा पहले, तो मैं तभी से एब्स्ट्रैक्शन करते आ रहा हूँ। अभी सबकी बोलती बंद है, बिकॉज आई जस्ट डोंट पेंट, आई रीड अ लॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। पिकासो मालूम है मुझे, मातिस मालूम है, तू जो जिसका नाम लेगा सबको मैंने पढ़ा है ये लोग क्या करते हैं। पॉल क्ली मेरा फेवरेट है। Okay. हाँ, वो तो बड़ा ज्ञानी था। तो आई जस्ट डोंट सी एनीथिंग इन द एयर। मैं स्टडी किया है, अभी भी स्टडी करता हूँ। हाँ, और मैं खुद को मैं बहुत टीचर समझता हूँ। मैं मेरा जो ये है स्वभाव है वो टीचर का है। सो राइट नाउ यू आर 77। अगर आप अभी प्रभाकर कोलते जो शायद 20-25 साल का होगा, उसको अगर अभी आप देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि उसने क्या करना चाहिए था? नहीं, वो मैं वो कोलते को देखता ही नहीं हूँ। मैं आगे आया हूँ बहुत। हाँ। और मुझे वो पुराना कोलते चाहिए नहीं, वो चाहिए नहीं है, मैं है ही नहीं मेरे पास। आई एम इन द फ्यूचर, मैं खुद ही फ्यूचर में गया हूँ। उसने जो लाइफ के डिसीजंस लिए, हाँ, वो उसमें अगर आपको कुछ सोच, मतलब एक रहता है ना कि वो टाइम पे मैंने ऐसा किया था, तो मुझे शायद वो नहीं करना। नहीं, ये नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं आता, कभी नहीं आता। आई थिंक आई एम कॉन्स्टेंटली वॉकिंग एंड आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, यू नो, ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ कल करेगा, नहीं, आई कॉन्स्टेंटली ये मेरा चालू रहता है। आप आके किसी को भी, आई डोंट सिट ऐसा है हम मजा सोया, मैं सोता नहीं हूँ, रात को सोता हूँ वही, बाकी पूरा दिन मैं काम करता हूँ। ये कल शुरू किया था मैं, आज नहीं तो कल मैं कंप्लीट करेगा इसको, यू अंडरस्टैंड। और मैं पढ़ता हूँ बहुत, और वो जो लिखता भी हूँ, और मेरे 2 books अभी आएंगे, एक इसका गोल्ड ऑफ देयर बॉडीज और दूसरा एक है वो, ये दोनों में अभी जल्दी एक साल में आ जाएंगे, भी उसके पहले आ जाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप जैसे लोग आते हैं तो मैं आनंद लेता हूँ बात करने का। मुझे ये नहीं कहना है, पर एक होता है कि एक जॉब करने वाला आदमी एक टाइम पे रिटायरमेंट ले लेता है। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि ये नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी रिटायरमेंट पेंटिंग से आप कभी लोगे? नहीं नहीं, वो हमें जे से मैं रिटायरमेंट ले लिया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, यू नो, सारे चोर और चुकन्ने हैं सब, आई डोंट लाइक देम, मैं उनका फेस भी देखना नहीं चाहता, दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, समझे ना, ये गुस्सा है मुझे, इसलिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ दूसरा 10 बच्चों को लेके, बिकॉज आई वॉन्ट दैट सेटिस्फैक्शन कि मुझे मैं टीच कर सकता हूँ और ऐसे पैदा करूँगा लोग कि आप लोग जाके दूसरे 10 लोगों को पढ़ाओगे, राइट, यू अंडरस्टैंड। हाँ, बराबर है ना, ये मेरा काम है। सो 77 ईयर्स के अभी आपको 50 साल के ऊपर आपने एब्स्ट्रैक्शन को दे दिए हैं, तो
एक लाइन में अगर आप कुछ कह सकते हो तो ये लाइफ को, ये 50 साल को लेके कैसा था ये जर्नी आपका और ये आगे की होने वाली भी, इधर खत्म नहीं हो रही है बट ये जो पिछले कुछ 50-60 साल हो गए उसमें आपकी जर्नी कैसी थी, कैसा क्या लगा आपको, मजा आया कैसे आपके हिसाब से, आप बता दो। मजा वगैरह नहीं, ज्ञान मिला यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं अभी भी उसके पीछे पड़ा हूँ। एब्स्ट्रैक्शन, यस, इससे लेके इधर तक ये मेरा ज्ञान है, वो अभी भी बरकरार है और वो कुछ ना कुछ मुझे देते रहता है, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आता है और मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं आप दो लोग आके बैठे हैं, आपसे गप मार रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं दे रही नहीं, आपसे ले भी रहा हूँ। आपकी हंसी है मेरे को मिल गई है ना, right, yes, ये यंग मैन, हाँ वो जिस तरह से बैठ, दिस इज माय एंजॉयमेंट, यू नो, हमें दूसरी एंजॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात में से आपको कुछ मिला, इनको मिला, मुझे भी मिला, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। कहने के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ सकता है, पर आपने इतना टाइम दिया आपके इतने बिजी शेड्यूल से, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा, ये अगर सब रिकॉर्ड किया है तो आप सुना दो उनको लेकिन आज तक जितने भी पॉडकास्ट हमने किए सारे फिगरेटिव या फिर लैंडस्केप, मैंने जैसे आपको पहले कहा था, लेकिन ये काफी आई थिंक ये पहला होगा ना सचिन, तो ये सबसे पहला पॉडकास्ट था एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, और हमारा नसीब इतना अच्छा है कि लिटरली खोलते सर, प्रभाकर खोलते सर हमें पहले ही, मैंने सिर्फ एक कॉल किया था आपको, आपने हाँ कहा, हम आपसे मिलते हैं, आपको लोगों से मिलवाते हैं ऐसी आर्टिस्ट से, सो थैंक यू सो मच ऐसी आर्टिस्ट, या तो ऐसी आर्टिस्ट को मैं आगे अपने चैनल पे अपने पॉडकास्ट लाते रहूंगा, और आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो वो आप कमेंट करके पूछना, बताना, कोई आपके साइड से अगर आर्टिस्ट के सजेशंस होंगे आप वो भी देना, मैं कोशिश करूंगा वो आर्टिस्ट से मिलने की, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मी आया गुडुन तुम सर, धन्यवाद, चलो थैंक यू, वेरी गुड, या परत नुसतीच गप्प मारले हे नसले तरी चालेल। गुनगुना।